हेलो, गुड मॉर्निंग। और कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक? ठीक ही है। देखिए, ये हमारी जो भी प्रॉफिट एंड लॉस की हमारी ये दूसरी नंबर की वीडियो है, ये दूसरी नंबर की वीडियो है जिसमें हम और ढेर सारे सवाल करने वाले हैं। अच्छे अच्छे सवाल हैं, उनको ही हम लेके चलेंगे। ठीक है, तो हम देखते हैं क्या है। देखिए, एक बात और बोलनी थी कि हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर करते जाइए और उसे फॉलो करते जाइए। आपको बहुत सारा ज्ञान मिलने वाला है इस चीज़ से। ठीक है, नए नए पैटर्न के जो भी सवाल हैं, जो भी एसएससी में आए हुए हैं, 17, 18, 19 जितने भी न्यूज़ क्वेश्चंस हैं, हम सभी क्वेश्चंस को उठा के लेके चल रहे हैं। जितने भी न्यू क्वेश्चन आ रहे हैं उनको यहाँ पर है ना सॉल्व कराया जाएगा। ठीक है, और आपको अच्छी तरीके से समझ में ही आ रहा होगा, मैं पूरा की पूरा अर्थमेटिक जितना भी है मैं पूरा टोटल कराऊंगा, प्लस एडवांस भी कराऊंगा। और हम विदाउट फॉर्मूलों के पढ़ेंगे, एक भी फॉर्मूला हमें नहीं यूज करना है। सिर्फ हमें रेशो पर काम करना है, रेशो को समझते रहिए और रेशियो पर काम करते रहिए। ठीक है, तो हम इस तरीके से आगे बढ़ते चलते हैं धीरे धीरे, और हम सवालों को करते हैं चालू अब। ठीक है, देखो कह रहा है, 50 रुपये में किसी वस्तु को बेचने पर उतनी ही परसेंट की हानि होती है जितने प्रतिशत लाभ उसे 70 रुपये में बेचने पर होता है, तो वस्तु का लाभ और हानि ज्ञात करें। ठीक है भाई, क्या कह रहा है? 50 रुपये में किसी वस्तु को बेचने पर। अच्छा ठीक है, देखो लेट मी सी पी मान लो कि एक्स है। ठीक है भाई, ठीक है, और 50 रुपये बेच रहा है, तो मतलब एस पी कितना होगा? एस पी होगा मेरा 50। ओके ठीक है भाई, और उतने ही प्रतिशत का लाभ होता है, उतने ही प्रतिशत की हानि होती है, सॉरी उतने ही प्रतिशत की हानि होती है, तो हानि कराना है तो किस प्रकार होगी भाई? देखो सी पी माइनस एस पी बराबर सी पी माइनस एस पी अपॉन सी पी इंटू 100। ठीक है, तो सी पी कितना है मेरा? एक्स माइनस 50 अपॉन एक्स इंटू 100 इक्वल में, फिर कह रहा है उतने ही प्रतिशत का लाभ होता है भाई, लाभ कराना है तो 70, मेरे को 70 माइनस एक्स अपॉन एक्स इंटू 100, ये डिवाइड होगा, ये कटा ये कटा ये कटा। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूँ, आप इस चीज़ को कैलकुलेशन कर सकते हो, तो 2x बराबर ये टोटल कितना होगा? 120, और x बराबर मेरा कितना आ गया? 60। ओके माई डियर, तो एक्स की वैल्यू मेरी 60 आ गई, और एक्स ही मेरा क्या है? ये ही मेरा सी पी है। समझ रहे हो ना इस बात को भाई? उतने ही प्रतिशत की हानि होती है। अगर मैं 60 को यहाँ रख दूंगा तो कितने का घाटा होगा? 10 का। और इधर भी अगर मैं 50-60 रख दूंगा तो मेरा 10 का ही मुझे प्रॉफिट होगा, उतने ही की हानि होती है, उतने का ही लाभ होता है। ठीक है, तो कितने का लाभ हुआ? 10 का। कितने पर? 60 पर सी पी पर इंटू 100। तो देखो कैंसिल आउट करोगे आराम से, तो 100/6 कितना आता है? ये आता है मेरा 16/2/3। ठीक है, 16/2/3%, 6/36, 16/2/3%। ठीक है, इसको हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, एक तरीका और है एलिगेशन से। जैसे कि मान के चलो 50 का ही मुझे, 50 का मुझे क्या हुआ है? लॉस। ठीक है, और 70 का मुझे प्रॉफिट हुआ है, तो डिफरेंस कितने का आया? डिफरेंस आया 20 का। भाई 20 का डिफरेंस आया, और सीपी है दोनों दोनों बार में, दोनों बार में आया, तो दो पे करेंगे तो कितना आएगा? 10। और 10 को मैं माइनस 10 में प्लस जोड़ूंगा तो मेरा सीपी कितना होगा? 60। ठीक है, ये भी 60, ये कितना निकला यहाँ पर? 10। और ये कितना निकला? 10। कैंसिल आउट कर दूँ। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे एक चीज़ देखने को मिल रही है, वो क्या मिल रहा है कि सीपी मेरा कितना है? 60 है। सीपी मेरा 60 है, ये कैंसिल ना करो तो भी ठीक है, चलेगा, कोई बात नहीं, क्योंकि ये यही हमारे क्या होते हैं, यही है, मुझे इतने का ही लाभ हो रहा है, इतने का ही प्रॉफिट हो रहा है, तो कितने पर? 60 पे, 10 पे, तो 100 पे कितना होगा? 16/2/3%, इसी पर भी कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, इससे भी कर सकते हो और उससे भी कर सकते हो। चलो दूसरे नंबर का सवाल देखते हैं, धीरे धीरे चीज़ों को समझते जाइए और हम धीरे धीरे चीज़ों को समझाते चलेंगे। ओके चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किसी वस्तु के विक्रय मूल्य में, किसी वस्तु के विक्रय मूल्य में 12 रुपये की कमी हो जाने से
5% का लाभ के बदले दो सही 1/2% की हानि होती तो वस्तु का सीपी ज्ञात करें। भाई 5% के लाभ के बदले उसे क्या होता है, दो सही 1/2% इसकी हानि होती है। ठीक है भाई, दो सही 1/2% का परसेंटेज फ्रैक्शन क्या होता है, टू सही 2 बाई कितना होता है, 4/5 अपॉन, सीख लो एक बार और, 40, 1/40 कितना हुआ, 1/40 हो गया। और कह रहा है उतने ही प्रतिशत का लाभ होता है। ये देखिए जो मेरा नीचे वाला होता है वो मेरा क्या है, सीपी है। अगर मान लो कि मैं 40 को अगर मैं सीपी मान लूँ, ये क्या है सीपी, कह रहा है कि मुझे 5% का लाभ होता है, 5% के लाभ के बदले 5% का लाभ कराना है तो कितना होगा, 5 और 20, देखो 40 पर मुझे 5% का लाभ कराना है, 40 पर कर सकते हो बड़ी आसानी से। ठीक है, 2 से काटा तो 2, मतलब मुझे 2 का लाभ हो रहा है भाई। ये 5% का जो निकलेगा वो कितना निकलेगा, मेरा 2 निकलेगा, लाभ होगा तो कितना होगा, 42। ओके, ये क्या है मुझे लाभ कह रहा है। अब कह रहा है मुझे 2 सही 1/2 की हानि होती, 2 सही 1/2 की फ्रैक्शन कितनी होती है, 1/40, 2 सही 1/2% का फ्रैक्शन ऑफ वैल्यू कितना होगा, 1/40, और 40 एकम 40 और 1, मतलब मुझे है ना लाभ कितने, हानि कितने की हो रही है, मुझे 1 की हानि हो रही है, 2+1-। ठीक है, इसमें 2 किया तो इतना आ गया 42, 40 में 1 को जोड़ा तो कितना, 1 को घटाया तो कितना आ गया, 39। ओके, अब क्या कह रहा है कि विक्रय मूल्य में 12 की कमी हो जाने से, 12 की कमी हो रही है, कितने की कमी हो रही है यहाँ पर, 3 यूनिट, और 3 यूनिट के बराबर मुझे दिया है 12, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गई 40, सॉरी 4, 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 4। तो मुझे पूछा है सीपी कितना है, भाई सीपी मेरा कितना है, 40 है, तो लो सब 40, 160 मेरा सीपी निकलेगा। सिर्फ और सिर्फ हमें कैलकुलेशन पर ध्यान देना है, रेशियो पर ध्यान देना है, और कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, बड़ा ही सिंपल सा सवाल था, आसान सा सवाल था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक आदमी अपने सामान को 25% के लाभ पर बेचता है, ठीक है, यदि वह इसे 900 रुपये कम में खरीदता और 900 रुपये ही कम में बेचता, तब इसे 5% का अधिक लाभ होता, तब उस वस्तु का सीपी ज्ञात करो। चलो वही करते हैं, बहुत इजी सवाल है, कुछ नहीं है इनमें, 900 में ही लाता और 900 में ही बेचता, ठीक है, 25% का लाभ होता है, 25% का लाभ का मतलब क्या होता है, मेरा 4 से 5, ये मेरा सीपी है, ये मेरा एसपी है, 25% का मतलब होता है 4 से 5, यहां समझो इस बात को, 25% अपन 100, 5, 1/5, सॉरी 4, 4 पर 1 का लाभ होता है, 4 से वस्तु 5 में बेची होगी। ठीक है, कह रहा है फिर क्या कह रहा है कि 900 रुपये में लाता, 900 में ही बेचता, तब इसे 5% का अधिक लाभ होता। भाई अधिक लाभ होता, अभी 25 का हो रहा है, अगर 5 का और अधिक होगा तो कितने का, 130 का होगा, कितने पर, 100 पर, 10 पे 13, 10 से 13। ठीक है, देखो उतने में ही लाता है और उतने में ही बेचता है, क्या यहाँ पर डिफरेंस है जो मेरा बराबर आ रहा है क्या, देखो जरा बराबर डिफरेंस आना चाहिए, क्योंकि सेम प्राइस पर ला रहा है, सेम पर ही बेचना है, तो इधर भी बराबर होना चाहिए, इधर भी बराबर होना चाहिए, तो क्या निकल रहा है क्या, 1/8, 1/6, नहीं, तो इनको बराबर कर लो, इसको इसमें से लेस कीजिए कितना, 1, इसको इसमें से 3, और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर, ये कितना हो गया 12, ये कितना हो गया 15, ये 10, ये 13, अब देख लो जरा बराबर आ रहा है क्या, 2, इधर भी 2, इधर भी 2, और 2 यूनिट रिप्रेजेंटेड कितने को, 900 को, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 450।
बराबर आना चाहिए, बराबर करने का तरीका देख ही लिया, इसको इसमें से लेस किया, इसको इसमें से लेस किया, बराबर आ गए। चाहे इधर से काट लो और चाहे उधर से काट लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 2 यूनिट की वैल्यू 900, तो 1 यूनिट बराबर 450 क्या पूछा भाई? तो मुझे सी पी बता दो, सी पी ज्ञात करो। सी पी मेरा कितना है 12, तो 12 का इंटू कर दो, कितना निकल आया 0.60। 12 चौक 48, और 48 और 6 55,400 मेरा क्या निकल आया सी पी। 0, 12 पहिए 60 की 0 और 12 चौक 48 और 4 54, तो सी पी मेरा कितना आ गया 5400 आ गया। बड़ा सिंपल सा और इजी सा सवाल है, ठीक है। चलो नोट कीजिए इसको और धीरे धीरे चीज़ों को पकड़ते रहिए और सीखते रहिए, और उन पर एक बार वीडियो, दो बार, तीन बार, जितनी बार देखना उतनी बार देखिए और लगाते रहिए और खुद के नोट्स बनाते रहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या कह रहा भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, एक व्यक्ति 12 रुपये की दर से 2 पाइप बेचता है, एक पर उसे 20% का लाभ होता है तथा दूसरे पर उसे 20% की हानि होती, तो पूरे पूरे सौदे का परिणाम क्या होगा? अच्छा ठीक है, मतलब वो एक व्यक्ति 12 रुपये की दर से 2 पाइप बेचता है, मतलब 12 में 12, एक व्यक्ति एक वस्तु को भी इसने 12 में बेचा, तो उस पर कितने प्रतिशत का प्रॉफिट हुआ? 20% के लाभ पर बेचता है, 20% के लाभ का मतलब होता है कितना? 5 से 6, ठीक है। दूसरी वस्तु पर क्या कह रहा है? दूसरी वस्तु पर भी उसे कुछ परसेंट प्राप्त हो, हानि होती है, हानि पर बेचता है, ठीक है भाई, हानि कर लो, एक लेस कर दो 5 से 4। देखो वो प्रत्येक वस्तु को, ये सी पी, ये एस पी, 1200 में इसको बेचा, 1200 में इसको बेचा, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो एस पी है उसको समान करना पड़ेगा, इसको समान बना लो, मतलब कि सेम बना लो, क्योंकि 1200 में ही बेच रहा है, पहली को भी 1200 में बेचा, दूसरों को भी 12 में बेचा, 12 12, इसको भी 12 में बेचा, इसको भी 12 में बेचा बेचा, तो ये कौन सा कंसेप्ट हुआ? ये हमारा टाइप चल रहा है कि सेम सी पी वाला, सेम एस पी वाला, सॉरी सेम एस पी, एस पी शी, तो 4 का इंटू यहाँ पर कर दो और 6 का इंटू यहाँ कर दो, कितना आएगा 20, 24, ये 24, ये भी, और पुराने वाले को काट दो, कोई मतलब ही नहीं है, नया वाला देख लो। अब इनको ऐड कर लो, 0, 50, ये कितना आ गया 4, 8, ठीक है। अब देखिए मुझे कहीं ना कहीं मुझे लॉस हो रहा है 2 का, देखो इसको भी उसने 12 में बेचा और इसको भी उसने 12 में बेचा, इसको 12 में बेचा और इसको भी उसने 12 में बेचा, तो 12 12 24, ठीक है। तो 48 यूनिट की वैल्यू कितनी है 24, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 24 बटे 48, 24 यूनिट इंटू 48, ठीक है। और लॉस कितने का हो रहा है यहाँ पर? 2 का लॉस हो रहा है, तो इंटू 2 कर दो, 24 एकम 24, 24 दूनी 48, और 2 एकम 2, तो कितना आ गया मेरा 1 आ गया, मुझे 1 का लॉस हुआ, लॉस, ठीक है, मुझे कहीं ना कहीं 1 का लॉस हो रहा है। और सेम सीपी वाला है, सीपी को बराबर कर लो, सिंपल इजी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्या है? एक टेलीविजन, एक फ्रीज प्रत्येक को 12,000 रुपये में बेचा गया, यदि टेलीविजन पर 20% की हानि और फ्रिज को 20% के लाभ पर बेचा जाता है, तो परिणाम बताइए। फिर भी हमारा सेम सीपी वाला भी, देखो 20% का लाभ, 20% की हानि, हानि 5 से 4 और 5 से 6, बराबर कर लो, कितना 24, ये कितना आ गया 24, सॉरी ये 30, 24, 20
और ये भी मेरा 24, ये कितना आ गया, ये मेरा 50 और ये मेरा 48। और कह रहा है कि 12 1200 मतलब 4800, 24000, 48 यूनिट की वैल्यू कितनी है 24000, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी 24/48, और लॉस कितने का हो गया 2 का, तो लो दो साहब 24 × 48, 2 से काटा तो 1, तो कितना आ गया, यही अपना आंसर। ठीक है, बड़े ही इजी सवाल हैं और आसान से हैं, कुछ भी नहीं है इनमें, और देखते हैं और करते रहिए, ढेर सारे सवाल मिलते हैं इस प्रकार से करने के लिए। देखो दूसरा क्वेश्चन क्या है, दो साइकिलों को 3990 रुपये में की दर पर बेचा जाता है, पहली साइकिल पर 5% का लाभ तथा दूसरी पर 5% की हानि होती है, तो पूरे सौदे में लाभ या हानि बताइए। चलो करना है कर लो, नहीं करना तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत इजी सवाल है, कंसेप्ट भी क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखो क्या कह रहा है भाई, पहली साइकिल को 5% के लाभ पर, 5% के लाभ पर मतलब कि 20 से 21, ठीक है, फिर 5% की हानि 20 से 19, फिर से इक्वल कर लो क्योंकि उतने उतने में ही बेच रहा है, इसको भी उतने में ही बेचा 19 और इसको भी कितने का 21, 19 × 38, 19 ये भी कैलकुलेट कर लो, 19 कैरी 1, 19 × 38 और 39, ठीक है, ये भी मेरा उतना ही आएगा 9 9, और कितना हो गया 9, ठीक है, इसको भी कर लो 0 और ये 0 2 और 4, ठीक है, हमारा सीपी भी समान हो गया भाई, एसपी भी हमारा समान हो गया, पुराने वाले रेशो को काट तो कोई मतलब ही नहीं है, इसको कर लो 8 9 7, ठीक है, 0 0 8, 800 रुपये की चीज़ को कितने बेचा, 798 रुपये में बेचा, कितने का लॉस हुआ 2 का, कितने पर 800 पर, तो 100 पे कितना होगा भाई, 0 से 0 कैंसिल, ये कैंसिल, तो कितना आना चाहिए हमारा प्रॉफिट, परसेंटेज पूछा उसने, ये तो लॉस तो हो रहा है मुझे दिख रहा है, 800 रुपये की चीज़ को 798 रुपये में बेचा, देखो 8 का डिवाइड कीजिए, अभी और कट जाएगा, काट लो आराम से, कितना होता है 1/4, वन अपॉन फोर, और 1/4 की वैल्यू क्या होती है मेरी, होती है 0.25%, तो 0.25% हमारा आंसर आ गया, आसान है, कर लीजिए यहाँ पर भाई, भागी तो देना है एक में चार का, ठीक है, ये कर लो, इतनी छोटी सी छोटी चीज बतानी पड़ेगी क्या, ठीक है, 0.25% इसमें परसेंटेज पूछा था, कितना परसेंटेज का लॉस हुआ, तो 0 भी लगा सकते हो, 0 लगाना है तो 0 लगा दो, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता, 0 लगाओ या ना लगाओ, तो 0.25% का मुझे क्या हुआ, मुझे लॉस हुआ, लॉस, ठीक है, इस बेस पर मैंने सवाल करवा दिया आपको। चलो और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं क्या कह रहा है, चलो वही करते हैं। कभी वो परसेंटेज निकलवाएगा, कभी वो आपको डायरेक्ट करवाएगा, कभी इनडायरेक्ट करवाएगा। दिनेश ने 1920 रुपये में 2 रेडियो खरीदे, उसने एक को 20% के लाभ पता था, दूसरे को 6 से ही 2/3% की हानि पर बेचा,
दो रेडियो का विक्रय मूल्य बराबर है तो दोनों का सीपी बताओ। ओके माय डियर, चलो देखो क्या कह रहा है कि उसने क्या हिसाब किताब किया। देखो 1920 रुपये में दो रेडियो खरीदे, एक को उसने 20% के लाभ पर। ओके 20% का लाभ क्या होता है? पहले पर 20% का लाभ होता है 5 से 6। दूसरे पर क्या किया उसने? दूसरे का परसेंटेज फ्रैक्शन दिया है मुझे 6 सही 2/3। 6 सही 2/3 का मतलब क्या होता है? 6 3 18 2 20, 20/3 × 100 कर लो, 5 3 15, 1/15। क्या कह रहा है उसे लॉस हुआ? हाँ भाई लॉस हुआ, मतलब 15 में से 1 गया तो कितना बचा? 15 में से 1 गया तो 14। ओके अब क्या कह रहा है वो? अब कह रहा है भाई क्या हुआ मुझे, मुझे क्या हुआ? तो सी रेडियो रेडियो का विक्रय मूल्य बराबर करना है, बराबर कर लो भाई, ये सीपी है, इनको बराबर करना है भाई, इनको बराबर बराबर कर लो आराम से। ठीक है 14 का × यहाँ पर और 6 का × यहाँ पर, ठीक है 14 पहिए कितना होता है? 70, ठीक है, और 14 छक्के 84, ये भी 84, ये भी 84, और 15 छक्के ये आ गया, ठीक है ये सीपी है, ये एसपी है, पुराने वाले का कोई मतलब नहीं है, काट दो। इसका टोटल कर लो 9, ये किया तो 160, और ये कितना आ गया? ये आ गया 448, और ये कितना आ गया? 16। ठीक है हमने सीपी एसपी को बराबर कर लिया। भाई वो कह रहा है कि दो रेडियो को कितने में खरीद के लाया? 1920 रुपए में दो रेडियो खरीदे, ठीक है साहब। 159 की वैल्यू कितनी है? 1920, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी? 19 20 / 69, ठीक है। अब इनको आराम आराम से काट लो, कितने से कट रहा है ये? हाँ 3 से काट लूँ, 3 से काटा, 3 6 18 और 3 4 12 0, 3 5 15 और 3 3 9, ठीक है। ए सॉरी नहीं कट रहा, कितने से कटेगा ये? 19 20, ओहो एक मिस्टेक हो गई है, सॉरी ये 0 ही था, ये 0 है, और ये कितना आएगा अपना? 160। अब एक 1 यूनिट की 160 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 1920, तो 1 की कितनी होगी? 1920/160, 0 से 0 कैंसिल, इसको काटो। अब 8 दूनी 16 और 8 चौक 32, 8 चौक 32, और ये काटा 8 दूनी 16, 2 से काटा तो 12, ठीक है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 12, ठीक है। 16 ही से काट लो, आराम आराम से कट जाएगा, 16 एकम 16 और 16 दूनी 32, कट तो गया, ठीक है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 12, और मुझे पूछा है सीपी, तो पहला सीपी मेरा कितना है और दूसरा सीपी ये रहा, पहला सीपी 70 है, दूसरा कितना है? 90 है, तो पहला कितना है मेरा? 12 × 70 0, कितना आ गया? 0 4 840, दूसरा कितना है? दूसरा है मेरा 90, कितना आ गया? 0 8 0, ये आ गए मेरे दोनों सी, 840 और 1080, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बड़ा ही आसान सा सवाल था, कुछ नहीं था, आपको क्या करना था कि उनके रेशो थे जो उनको बराबर कर लीजिए। 84 84 आ गया, ये इनका नया सीपी बन के आ गया। इसको ऐड किया तो 160, इसको ऐड किया तो 168। इसकी वैल्यू कितनी है? 1920। और 1920 के बराबर कितना दिया है? 1920 के बराबर दिया है मुझे इतना। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 12। और 12 7 84 84 0 वर्ण में 108, एक जीरो और बढ़ा दिया तो मेरा क्या आ गया? ये मेरा CP1 और ये मेरा CP2। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलो, हाँ वो क्या है, सीट चेंज की थी इस वजह से। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। एक व्यक्ति ने 1950 रुपये में दो घोड़ों को खरीदा। एक को उसने 20% की हानि तथा दूसरे को घोड़े को उसने 15% के लाभ पर। यदि दोनों घोड़ों का मूल्य विक्रय मूल्य, यदि दोनों घोड़ों का SP हमारा जो क्या है समान है, तो दोनों घोड़ों का CP ज्ञात करो। भाई कह रहा है 20% की हानि, 20% की हानि होती है 5 से 4। ठीक है, 5 से 4। दूसरे को 15% के लाभ पर। भाई 15% का लाभ क्या होता है? 20 से 23। ओके, इसको बराबर कर लो। ये CP है, ये SP है, बराबर कर लीजिए। ठीक है, इसको कैलकुलेट कीजिए। इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसको इसको किया तो कितना गए? 23 पे ये कितना होता है हमारा? ये 5। ठीक है, ये आ गए 125। इसको किया तो कितना आ गया? ये आ गया हमारा 292। ठीक है, 92। और कितना है ये अपना? ये आ गया 89 CP SP बाहर निकल आया। ठीक है, ऐड करेंगे तो कितना आ गया ये? 195। और 195 की यूनिट की वैल्यू कितना दिया है? कितने में घोड़े खरीद के लाया था? वो घोड़े खरीद के लाया था 1950 रुपये में, सॉरी 500 रुपये में। तो 119 195 वन यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 100। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 100। और उसने पूछा है मेरे घोड़ों का SCP कितना है, CP बताना है मुझे प्रत्येक का। ये पहला वाला है, ये दूसरा वाला घोड़ा है। ठीक है, पहले घोड़े का CP कितना है? CP देखो कितना है, 115। और एक यूनिट बराबर 100 है तो दूसरे का कितना होगा? इतना होगा। ठीक है, दूसरा CP कितना है? 8 है, तो कितना हो जाएगा? इतना हो जाएगा। ठीक है, अगर इनका आउट ऑफ सम भी करके देखोगे तो कितना है? 0 0। ये हो जाएगा 195 195। इतना ही हमारा घोड़े खरीद के लाए गए थे और उन घोड़ों का मूल्य ही अपना ये वाला है। हाँ, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। एक व्यक्ति को 2160 रुपये में दो पंखे खरीदता है। इन पंखों में से एक पंखे को बेचने पर 15% का लाभ तथा दूसरे पंखे को बेचने पर उसे 9% की हानि होती है। पूरे सौदे में उसे ना तो लाभ हुआ ना ही हानि हुई, तो प्रत्येक का CP ज्ञात करो। ठीक है भाई, 15 का लाभ होता है, 9 का घाटा होता है, ना तो उसे लाभ होता है ना ही उसे फ़ायदा होता है, तो 0 मान लिया यहाँ पर। ठीक है, ये कितना आ गया? 9। ये कितना है मेरा? 15। ये कैंसिल आउट हो गए तो कितना आ गया? 3 3। ये 5। और इनका सम ही तो क्या है मेरा? यही तो मेरा CP है, तो CP कितना आ गया? 8। ठीक है, CP आ गया मेरा 8। और 8 यूनिट की वैल्यू कितनी दी है मुझे? 8 यूनिट की वैल्यू मुझे दिए 2160। ठीक है, ये काटा, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 1 यूनिट की वैल्यू आ गई है, देखो 8 2 16। और कितना बच गया? ये 5 56 7 8 56 और 1 0। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 270। पहला CP कितना है मेरा? पहला CP मेरा 3 है।
ठीक यहाँ देखो, 3 × 0 कितना आ गया मेरा, 0 1 एंड 710, 710 आ गया, सॉरी 810, 810। ये दूसरा कितना, 5 × 27 × 0 एंड 0 5, और ये कितना आ गया, 1350। ये 1350 आ गए, एक आ गया मेरा 810। ठीक है, ना तो उसे लॉस होता है ना ही उसे फायदा होता है, ना नो लॉस नो प्रॉफिट का कंसेप्ट है। इस तरीके से आप कर सकते हो इस सवाल को, ठीक है, बहुत इजी सवाल है ये भी, कैलकुलेशन ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। यदि एक व्यक्ति, यदि क्वेश्चन दिखाओ, यदि एक व्यक्ति द्वारा दो वस्तुओं से प्रत्येक को 4000 रुपये में बेचने पर ना तो लाभ होता है ना ही उसे हानि होती है, यदि यह वस्तु को 25% के लाभ पर बेचे तो दूसरे वस्तु पर उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगी। चलो भाई देखते हैं, नो लॉस नो प्रॉफिट का कंसेप्ट है, 25% का लाभ होता है। देखो पहली वस्तु पर उसे 25% का लाभ हुआ, मतलब CP एंड SP 25% का लाभ, 25% का लाभ क्या होता है, 4 से 5। ओके, और कह रहा है उसे ना तो लाभ होता है ना ही हानि होती है, इसका मतलब ये है वह 5 रुपये की चीज़ को 5 में ही बेचेगा, कहो हाँ। ठीक है, और 5 और 5 10 कितना हो गया, टोटल 10 हो गया। अगर मान के चलो उसने 10 रुपये में ही बेचा, मतलब ना तो हानि होती है ना ही लाभ होता है, उसने अगर 10 रुपये में यहाँ पे बेचा तो यहाँ पे तो ये 4 रुपये की वस्तु है, तो कितने की ज़रूरत है, 6 की ज़रूरत और है, क्योंकि यहाँ पर भी 10 होगा तो यहाँ पर भी तो टोटल 10 होना चाहिए, तभी तो उसे नो लॉस नो प्रॉफिट हो, 10 रुपये की चीज़ को 10 रुपये में ही बेचेगा तो उसे ना तो लाभ होगा ना ही उसे फ़ायदा होगा, सिंपल सी बात है। ये दूसरा वाला क्वेश्चन, ये दूसरा वाला मेरा वस्तु है, तो कह रहा है दूसरी वाली वस्तु पर उसे क्या फ़ायदा हुआ, क्या घाटा हुआ। वही दूसरी वाली वस्तु 6 रुपये की वस्तु को उसने 5 रुपये में बेच दिया, 6 रुपये की वस्तु को उसने 5 रुपये में बेच दिया, तो एक का घाटा हुआ कितने पर, 6 पर, तो × 100 क्या होता है, 1/6 16 सही, 2/3 ही तो मेरा परसेंटेज प्रॉफिट होता है, हानि, ये उसे हानि हुई, उसे लॉस हो गया, कितने का, 16 सही 2/3 का उसे लॉस हो गया, सिंपल सी बात। चलो ठीक है, ठीक है, एक दो क्वेश्चन और करा देता हूँ मैं। किसी वस्तु 15% किसी वस्तु के 15% लाभ पर SP तथा 10% लाभ SP का अंतर 10 रुपये है, तो वस्तु का CP ज्ञात करो। ठीक है भाई, देखो किसी वस्तु के 10% लाभ, किसी वस्तु पर उसे 10% का लाभ होता है, 15% का लाभ होता है, सॉरी। ठीक है भाई, 15% का लाभ का मतलब क्या है, पंद्रह परसेंट मान लो कि मेरा CP क्या है, मेरा 100 है, अगर 100 पर 15% का लाभ होगा तो चीज़ कितने की बेचेगा वो, 115 की। ठीक है साहब, दूसरे पर लाभ कितने का होगा, दूसरे पर उसे 10% का लाभ होगा तो चीज़ कितने की बेचेगा, 110 की। ठीक है, इनका डिफरेंस कितना है, 5 यूनिट, और 5 यूनिट के बराबर मुझे कितना दिया है, 10 रुपये, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 5 2। क्या पूछा है मुझे, तो CP बता दो भाई, 100 यूनिट बराबर बस मुझे 0 ही तो बढ़ानी थी, तो 2 जीरो बढ़ा दी, ये अपना आंसर आ गया। ठीक है, आज के सारे क्वेश्चन हो चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग अब कल करेंगे। ठीक है, आप हमारे चैनल को लाइक एंड फॉलो एंड सब्सक्राइब करते जाइए, और जो हम जितना बता रहे हैं उतना ही पढ़ते जाइए। ये हालांकि ये हायर लेवल तक भी जाएगा, लेकिन वन डे एग्ज़ाम जितने भी होते हैं आपके सारे कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो आप करते जाइए, सब कुछ करते रहिए, पढ़ते रहिए और सवालों को समझते जाइए। ठीक है, ओके।